समस्याएं देश के लोगों के सामने हैं, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, खास तौर पे फूड इन्फ्लेशन, ऐसे चीज़ों के बारे में उनको सही ढंग से जिस तरीके से एड्रेस करना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस हालत में जो चाहिए था वो ये था कि खर्चा जो है सरकारी खर्चा वो बढ़े, बढ़ने की जगह सरकारी खर्चा जीडीपी के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो वो रेशियो जो एक्सपेंडिचर अपन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो घटा है। अब आपकी आमदनी बढ़ी है 14.5% और आपका खर्चा जो आप बढ़ा रहे हो वो है 5.9%। तो आमदनी इतनी ज़्यादा बढ़ी है और खर्चा इतना कम है उसके मुकाबले में, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी और कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसका मतलब है समस्याएं जनता की और बढ़ेगी। और इसके साथ तीसरा जो काफ़ी खतरनाक बात जो हुई है वो ये हुआ है कि सब्सिडीज जो है मुख्य रूप से वो उसके अंदर कटौती हुई है, फर्टिलाइजर सब्सिडी में, फूड सब्सिडी में, आपके पेट्रोलियम सब्सिडी में, इन तीनों सब्सिडीज में आपका जो है कटौती हुई है पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के मुताबिक अगर आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार बढ़ाने के लिए जो योजना ये बनाए कि इंसेंटिव देंगे आप एम्प्लॉयर को, यानी 4 साल का आपका प्रोविडेंट फंड जो देना होगा वो एम्प्लॉयर को दिया जाएगा। अब इससे थोड़ी नौकरियां बढ़ेगी, एम्प्लॉयर को आप सब्सिडाइज कर रहे हो यानी उसके मुनाफे बढ़ेंगे। अरे नौकरियां बढ़ाना है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा ना, और वो तभी संभव है जब सरकारी निवेश बढ़ेगा। अब सरकारी खुद अगर खर्चा घटा रही है तो इसके अंदर वो इकोनॉमी एक्सपेंड कैसे होगी, बिना इकोनॉमी के एक्सपेंशन के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन असंभव है। तो उल्टा है, कुल मिलाकर ये बजट आप देखेंगे इसका पूरा का पूरा ध्यान यही रहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी जो है उसकी जो सबसे बड़ी जो निशाना है वो है हमारे देश के अंदर फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना, और वो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए आमदनी बढ़ती है आपकी 14.5% और एक्सपेंडिचर आप बढ़ाते हो 5.9%, यानी वो जो बचा हुआ है वो फिस्कल डेफिसिट को घटाएगा ना। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी को उनको जो है शांत करने के लिए, और इस उम्मीद से कि उसके वजह से विदेशी निवेश जो है देश के अंदर आएगी, एफडीआई आएगी, इस उम्मीद के साथ जो आने रही है वो आएगी जब देश के अंदर मार्केट बढ़ेगी। कोई भी पूंजी आती क्यों है, क्योंकि उस पूंजी के अंदर देश के अंदर मार्केट बढ़ रही है और उस पूंजी जो ले आते हैं उससे जो निवेश करते हैं उसके ऊपर उनको मुनाफा मिलेगा। जब आपका मार्केट ही नहीं बढ़ रहा क्योंकि लोगों में खरीदने की क्षमता वो जो है वो घटती जा रही है, तो कोई भी पूंजी जो है आएगी नहीं यहाँ पे निवेश करने। और जितना भी आप इंसेंटिव दे दो जो एम्प्लॉयर को, तो उससे कोई मतलब रोजगार बढ़ेगा नहीं जब तक देश के अंदर डिमांड बढ़ेगा नहीं। डिमांड बढ़ाना है तो सरकारी निवेश को बढ़ाना अनिवार्य, वो नहीं हुआ। तो ये बजट फाइनली सब कॉन्ट्रैक्शनरी बजट है, इसे सिर्फ फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया जा रहा है देश की जनता की समस्याओं को हल करने की जगह।